आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से हनन्या और सफीरा की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको प्रेरितों के 5 अध्याय के 1 से 11 वचन में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, प्रियो, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है प्रियो कि ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के प्रेरितों की सेविकाई कलीसिया के रूप में प्रारंभ हो चुकी थी। उस समय सब विश्वासी एक साथ संगति करके कलीसिया चलाया करते थे तथा परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। यहाँ तक कि वह सब अपनी संपत्ति से भी प्रभु की सेवा किया करते थे। सब मिलकर एक साथ साझा किया करते थे और सब प्रेरितों के पास अपने धन संपत्ति की भेंटें लाया करते थे और जैसी जिसको आवश्यकता होती उसके अनुसार वह उसे बांटा करते थे। इसी प्रकार सभी लोग अपने धन संपत्ति को बेचकर रुपए का दान प्रेरितों के पास लाया करते थे, जिससे कलीसियाओं की उन्नति हो तथा प्रभु में भी पवित्रताई से भेंट चढ़ाई जाए। तब उसी समय हनन्या नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और जो भूमि बेचकर उन्हें दाम मिला उसमें से एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तब इस पर पतरस ने हनन्या से कहा कि हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और पतरस ने हनन्या से यह भी कहा, जैसे प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि हनन्या और सफीरा ने अपनी भूमि तो बेच दी और उससे जो धन मिला वह उसने प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया, लेकिन उन्होंने उसमें से कुछ धन अपने लिए पहले ही निकाल लिया था। जब प्रेरितों ने उनके इस कार्य को देखा तो पवित्र आत्मा ने इन लोगों के इस झूठ का खुलासा पतरस से किया, अर्थात प्रकट किया कि हनन्या और सफीरा ने भूमि की कुछ रकम अपने पास रखी हुई है। प्रियो, कई बार हम भी कुछ गलत करने के बाद या गलत करते समय यह सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा या जो भी हमने किया है उसके बारे में किसी को भनक तक नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि वो बात सबसे छिपी हुई है, परंतु इस घटना में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने हनन्या और सफीरा के पाखंड भरे कार्य को पतरस पर जाहिर कर दिया। वैसे ही प्रियो, हम इस धोखे में ना रहे कि जो भी हम गुप्त में छिपते छिपाते करते हैं या बोलते हैं उन सब बातों को परमेश्वर नहीं जानता है। परमेश्वर से कोई भी बात छिपी नहीं है। हमारा परमेश्वर मन में छिपी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हनन्या और सफीरा ने ना सिर्फ इस झूठ को छिपाने का प्रयास किया परंतु प्रेरितों से झूठ भी बोला। वैसे ही हम भी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। तब आगे देखते हैं प्रियो कि हनन्या का वह झूठ जब पतरस पर पवित्र आत्मा के द्वारा जाहिर हुआ, तब यह जानकर हनन्या वहीं खड़े खड़े गिर पड़ा और अपने प्राण छोड़ दिए। और उसी समय वहां खड़े सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी देह को बाहर ले जाकर गाड़ दिया। यहाँ पर हम ध्यान दें प्रियो कि हनन्या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा भी लिया हुआ था। वह परमेश्वर के घराने का एक सदस्य बन गया था,
लेकिन हम देखते हैं प्रियो, इसके बावजूद भी उसने दो गलत काम किए। पहला, उसने भूमि की संपत्ति में से कुछ अपने पास रख लिया, और दूसरा, उसने झूठ बोला। शैतान ने पल भर में उसके जीवन पर कब्जा कर लिया। ना सिर्फ हनन्या बल्कि सफीरा भी शैतान के झांसे में आ गई और उसने उसे भी नाश कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं आगे उसकी पत्नी ने भी इसी प्रकार किया। लगभग उसके 3 घंटे के पश्चात जब उसकी पत्नी भी वहां आई, तब तक वह नहीं जानती थी कि उसके पति के साथ क्या हुआ। तब जब उसकी पत्नी सफीरा पतरस के सामने आई, तब पतरस ने उससे कहा कि मुझे बता कि तुमने वह भूमि इतने ही दाम में बेची थी। तब सफीरा ने कहा कि हाँ, इतने में ही बेची थी। तब उसकी पत्नी ने वही झूठ पतरस से कहा जो झूठ हनन्या ने पतरस से कहा था, क्योंकि पहले ही पति और पत्नी दोनों ने झूठ बोलने की सहभागिता कर ली थी। परंतु यह नहीं जानते थे कि परमेश्वर यहोवा से कुछ नहीं छिपता है। तब जब सफीरा ने पतरस से भी झूठ बोला, तब पतरस ने सफीरा से कहा, जैसा प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है कि यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब सफीरा भी तुरंत पतरस के पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और फिर जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और उसकी देह को भी उसी के पति के कब्र के सामने गाड़ दिया। तब सारी कलीसिया पर और जो लोग वहां खड़े सब बातें सुन रहे थे, उन सबों पर बड़ा भय छा गया। यहां पर हम देख सकते हैं प्रियो कि हनन्या और सफीरा ने पहले तो भूमि की संपत्ति में से कुछ अपने पास रख लिया और फिर झूठ बोलने के लिए एका भी किया, तथा उद्धार पाने के बावजूद भी पूरी तरह से उन्होंने पाप को ना छोड़ा। उनके मन में लालच बसा हुआ था। उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने झूठ को किसी पर जाहिर नहीं होने देंगे और ना ही किसी को कुछ पता चलेगा। लालच ने उन्हें झूठ बोलने पर भी मजबूर कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक पाप कई गुनाहों को जन्म देता है, जैसा हम हनन्या सफीरा के जीवन में भी देखते हैं। भूमि बेचकर आए हुए दाम को जब प्रेरितों के चरणों में रखने का समय आया, उससे पहले ही उन्होंने कुछ अपने पास रखकर अपराध किया। बाइबल हमें बताती है प्रियो, निर्गमन की पुस्तक और उसके 20 अध्याय के 17वें वचन में कि तू किसी चीज़ का लालच ना करना। यह 10वीं आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। लालच इंसान को अंधा और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जो उसके विनाश का कारण बन जाता है, जैसा हम इस घटना में भी देखते हैं। प्रियो, शैतान बड़ा चालाक व धूर्त है। वह ऐसे ऐसे हथकंडों को अपनाकर हमें हमेशा अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उसकी हर एक चाल से सावधान रहना है। हम भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम भी परमेश्वर के राज्य की संतानें हैं। तो जब हम उसके राज्य के लोग बन जाते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के पाप को अपने ऊपर शासन नहीं करने देना है। हमारे परमेश्वर ने यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से छुड़ाया है। अब पाप का कोई राज्य हमारे जीवन पर नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे प्रियो, यहाँ पर हनन्या और सफीरा ने ना सिर्फ संपत्ति का लालच किया, परंतु झूठ भी बोला, वो भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा से। वैसे ही हम भी अपने एक पाप को छुपाने के लिए कई पाप करते जाते हैं। प्रियो, एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलना यह एक बहुत ही घातक अपराध है और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। जैसे हम हनन्या और सफीरा के साथ होते हुए देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने प्रेरितों से झूठ बोला, उनके प्राण तुरंत निकल गए। कई बार हम अपने पाप में दूसरों को भी शामिल कर लेते हैं। कई बार हम मसीह परिवारों में भी ऐसी बातें होते हुए देखते हैं
कि पति अगर कुछ गलत कर रहा है तो पत्नी उसे रोकने के बजाय उसकी उस गलत कामों में शामिल हो जाती है। वैसे ही यदि पत्नी कुछ गलत कर रही हो तो पति भी डर के मारे उसे रोकने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाता है। इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे को सही राह दिखाने के बजाय एक दूसरे के गलत कामों में शामिल हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो। इस घटना में हमने एक भयानक परिणाम को देखा है, वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा परिवार नाश हो, इसलिए हमें गंभीरता और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति हम पर सफल ना हो। आशा करती हूँ प्रियो कि हनन्या और सफीरा की कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में आप सब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।